गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विश्व भारती शिक्षा सदन बिहार चौरस्ता भोजपुर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 9 का मैथमेटिक्स है, क्लास है एक्सरसाइज 13.4, क्वेश्चन नंबर 4 है। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। एक बैलून है जिसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, स्फेरिकल बैलून है, उसमें हवा भरने के बाद उसका रेडियस हो जाता है 14 सेंटीमीटर। तो हमको पहले केस में उसका निकालना है कर्व सरफेस एरिया, फिर दूसरे केस में कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और दोनों का रेशियो मालूम कर लेना है। तो लिखे हैं रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून आर वन बराबर 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू इट आर टू बराबर 14 सेंटीमीटर। यहाँ सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बैलून, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बैलून व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू इट, तो 4 पाई आर वन स्क्वायर, जैसे क्या फॉर्मूला जानते हैं, अब 4 पाई आर टू स्क्वायर, तो ये वाला 4 4 से कट जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा, आर वन स्क्वायर बटे आर टू स्क्वायर, यानी आर वन बटे आर टू का होल स्क्वायर। आर वन बराबर 7 है, ये आर टू बराबर 14 है, तो 7 2 का 14, यानी 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो 1:4, यही आपका रेशियो हुआ, यही आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल दूसरे वीडियो में होगा। थैंक यू।